विभिन्न मांगों के साथ सहायक प्राध्यापक डॉक्टर संजय यादव को हटाने की मांग की। जिले के फिंगेश्वर विकासखंड मुख्यालय में संचालित पणिकेश्वर नाथ शासकीय महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक द्वारा नशे की हालत में छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किए जाने से छात्र छात्राओं में खासा आक्रोश व्याप्त है। महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा भूगोल प्रैक्टिकल में नंबर देने के लिए 1-1 हजार लेने के साथ ही महाविद्यालय में बुनियादी सुविधाओं व आरोपी प्राध्यापक का स्थानांतरण को लेकर विरोध में आज छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय के प्रवेश द्वार में ताला झड़कर चिलचिलाती धूप में आंदोलनरत है। पणिकेश्वर नाथ शासकीय महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डी संजय यादव द्वारा लगातार विद्यार्थियों से दुर्व्यवहार एवं प्रायोगिक परीक्षाओं में अतिरिक्त शुल्क हेतु दबाव बनाया जाता है। इसके अलावा अन्य महाविद्यालयीन छात्राओं से अनुचित शब्दों का प्रयोग एवं दुर्व्यवहार को लेकर छात्र छात्राओं में आक्रोश व्याप्त है। महाविद्यालय के प्रवेश द्वार में ताला झड़कर आंदोलनरत छात्र छात्राओं ने मांग पूरी नहीं होने पर कॉलेज का बहिष्कार कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कॉलेज के पणिकेश्वरनाथ महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा 10 सूत्रीय मांग को लेकर हम यहाँ आज इस धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। हमारा मुख्य मांग ये है कि कॉलेज के प्रोफेसर हैं डॉक्टर संजय यादव जी, इनके द्वारा लगातार छात्राओं से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और जब इसकी मांग हम उच्च शिक्षा विभाग से करते हैं, उच्च शिक्षा विभाग का सुस्त रवैया देखने को मिलता है। इस कारण आज इस महाविद्यालय के विद्यार्थी इस धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और हम प्रशासन को यह चेताना चाहते हैं कि अगर इस आंदोलन के बाद कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी कलेक्टर ऑफिस का भी घेराव करेंगे। छात्र छात्राओं को बैक टच किया जाता है, छात्र छात्राओं से रिश्वतखोरी की जाती है। जब छात्र छात्रा इसका विरोध करते हैं उनके साथ गाली गलौज किया जाता है। महाविद्यालय परिसर में मांस मदिरा का सेवन किया जाता है। आज हमको यह समझ नहीं आ रहा है कि एक प्रोफेसर द्वारा किस प्रकार से मांस मदिरा जैसा सेवन इस विद्या के मंदिर में किया जा रहा है। इसके विरोध में आज महाविद्यालय के छात्र छात्राएं यहाँ बैठे हुए हैं। आज हम हमारे महाविद्यालय के ताला बंद किए हुए हैं और हम यह शासन को बताना चाहते हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक इस महाविद्यालय में ताला बंद। जो कॉलेज में बहुत सी चीज उपलब्ध नहीं है उसको पूरा करना है और सर जो है हम लोग के साथ ना दुर्व्यवहार, जैसे रेलवे से बात करते हैं तो उसको हम लोग को ना नहीं चाहिए वो सर। किसकी शिकायत सर किए हैं? उच्च शिक्षा में सर। अभी तक अभी क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं वो सर यहाँ से चले जाएं। 1400 किसी से 1500 किसी से 2500 किसी से 2000 लिए सर, सभी से एक्स्ट्रा फीस लिए हैं और फीस में और बिल में ना सीधा 600 बस लिखे हैं। हम लोग बिल भी लाए अपने साथ। नहीं तो इसकी शिकायत की है ये प्रिंसिपल? हाँ किए हैं, किए हैं। क्या बोले प्रिंसिपल? प्रिंसिपल कुछ नहीं बोले। अभी क्या चाहते हैं? अभी संजय से करवाई, मतलब संजय के साथ खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। और नहीं तो और आंदोलन करेंगे। आज का आंदोलन हम लोगों ने इसलिए किया था कि विगत वर्षों से एक हमारे यहाँ प्रोफेसर है डॉक्टर संजय यादव, जिनके द्वारा छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था तथा प्रैक्टिकल नंबर के नाम पे घूस और एडमिशन में एक्स्ट्रा फीस लिया जा रहा था, जिसकी शिकायत हम लोगों ने आयुक्त कार्यालय इंद्रावती भवन तथा उच्च शिक्षा मंत्री जी के पास किया था। 22 अक्टूबर को हम लोग शिकायत लेके गए थे, आज 16 नवम्बर हो गया लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम लोग शासन प्रशासन की आंख खोलना चाहते हैं, इसलिए आज महाविद्यालय में ताला बंद कर आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा और मांगे पूरी नहीं होने पर तो या फिर परसों हम लोग कलेक्टर ऑफिस में जाकर कलेक्टर ऑफिस का भी घेराव करेंगे और उसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री के पास भी और सीएम के पास जरूरत पड़े तो उनके पास भी जाएंगे। गरियाबंद जिला ब्यूरो जितेंद्र सिन्हा की रिपोर्ट।